लोगों का हुजूम, माहौल गमगीन, देशभक्ति के नारे और सामने रखा ताबूत। सैन्य वर्दी जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए 6 साल का बेटा शहीद पिता कर्नल मनप्रीत सिंह को सैल्यूट कर रहा है। पत्नी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है। मौके पर मौजूद हर शख्स की आंख नम है, क्योंकि किसी ने पिता, किसी ने पति, तो किसी ने अपना बेटा और देश ने अपना वीर सपूत खोया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में एक ऊंचाई वाले इलाके में आतंकवादियों के साथ सेना और पुलिस के जवानों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह मूल रूप से पंजाब के मोहाली के मुल्लापुर गरीबदास गांव के रहने वाले थे। उनके इसी पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शुक्रवार यानी 15 सितंबर को किया गया। अंतिम विदाई के समय माहौल ऐसा था कि उसे देख कोई भी भारतीय भावुक हो जाए। कर्नल मनप्रीत सिंह के 6 साल के बेटे को शायद ही पता होगा कि पिता अब दुनिया में नहीं लौटेंगे। 6 साल के बच्चे में समझ ही कितनी होती है, उसे पता ही कितना होता है। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया जैसी हो, बच्चा वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। तारीफ कर्नल के परिवार की करनी होगी कि बेटे को खोने के बाद भी अपनी धरती और सेना के लिए जज्बा इस कदर बरकरार है कि नन्हे मासूम को भी सेना की वर्दी जैसी ड्रेस पहनाकर उसके पिता की पार्थिव देह वाले ताबूत के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सलामी दिलवाई। शायद अबोध बच्चे को अभी ये संदेश देने की हिम्मत जुटाई गई है कि एक फौजी के लिए वर्दी ही सब कुछ है, जिसका कर्तव्य निभाने के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो फौजी पीछे नहीं हटता है। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे पत्नी, 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी को छोड़कर गए हैं। पूरा देश अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भारत माता की सच्चे संतान हैं और सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में 2 शब्द इस शहीद के लिए जरूर लिखें। धन्यवाद।